नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब हो जाएं सावधान, ये देवी आपको बार बार लगातार संकेत दे रही है, इसे जल्दी से पहचान लो। जी हां दोस्तों, ये देवी आखिर क्यों आप सभी के जीवन काल में इतनी मेहरबान है? आखिर आप सभी को यह क्या संकेत दे रही है और कौन सी खुशखबरी आप सभी को देना चाहती है? आज के इस वीडियो में हमेशा आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आप इनकी सच्चाई सुनकर खुशी की आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसा है कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाएंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट, सारे संकट, सारे समस्याएं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपसे भी की जानकारी के लिए बता दें कि यह देवी आप सभी के जीवन काल में मेहरबान हो चुकी है और यह आपको 7 बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। जी हां दोस्तों, 7 ऐसे बड़ी खुशखबरी है जिन्हें सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी और आंखों से खुशी क्या आंसू आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये खुशखबरी कोई ऐसी वैसी खुशखबरी नहीं है, ये आपके कर्मों का फल है जिनके लिए आप इतने दिनों से कर्म करते आ रहे थे, मेहनत करते आ रहे थे, उन्हीं का फल है। हम ये बात अच्छे से जान रहे हैं कि आपने अपने जीवन काल में कितना मेहनत किया है। लोग आप सभी को कुछ भी नहीं समझते थे, पिछले समय में अपने बहुत सारी बातों को अपने दिल में दबाकर रखी है। दोस्तों, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आप सभी के जीवन काल में आए हैं जिन्होंने आपको आपकी गरीबों को देखकर धोखा दिया है। आपने उनके लिए सब कुछ किया है, आपने उनके लिए कभी अपना दिन और रात नहीं देखा था, लेकिन दोस्तों जब आप छोटी सी भी मुसीबत में आए, जब आपको उसकी जरूरत थी, तो वह लोग पीठ दिखाकर जल्दी, किसी ने भी आपकी मजबूरी, आपकी दुख को नहीं देखा। जी हां दोस्तों, लेकिन आपकी राशि के लोग बहुत ही ज्यादा धैर्यवान और साहस से भरपूर होते हैं, जिनकी वजह से आप अपने मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह संकट से बाहर आए हैं। और दोस्तों, इन सभी के बावजूद भी आपने कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठाया है। आपको हमेशा ही भगवान के ऊपर भरोसा था कि भगवान आपकी यह सब अत्याचार देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं, एक दिन भगवान ही फैसला करेंगे। जी हां दोस्तों, आपने जो भी किया है सच्चे दिल से किया है और आपके यही सब कार्य को देखकर, यही भक्ति की भावना को देखकर भगवान देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। और दोस्तों, वक्त पर भगवान सब कुछ देते हैं और वह वक्त आपका आ गया है, वाहनों का आपका आ गया है आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर। एक देवी आप सभी को मालामाल कर देगी। जी हां दोस्तों, ये देवी 7 बड़ी खुशखबरी आप सभी को देने वाली है। आखिर ये देवी कौन है और ये आपको कौन कौन से 7 बड़ी खुशखबरी देंगे, कौन कौन से संकेत आपको दे रहे हैं, इन सभी के बारे में आप सभी को जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आते। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि यह देवी कोई और नहीं है, यह देवी आपके जिंदगी को संवारने वाली माता नवदुर्गा है। हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जिनकी भी जीवन काल में माता नवदुर्गा की आशीर्वाद आती है, उनका जीवन संवर जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं रहती है और यश में माता नवदुर्गा आप सभी के जीवन काल में अपना छत्र छाया रखने वाले हैं, जिनके कारण आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की जिंदगी में यह 7 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेंगे। परंतु दोस्तों, यहां से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि भगवान है तो उनसे जुड़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ही होगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में ऊपर ही ऊपर भगवान को मानते हैं और दिल से भगवान को नहीं मानते हैं,
समाज में चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा कहें और लोग उनकी अच्छी छवि को देखकर उनका मन और सम्मान करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा जो भी इंसान करता है उनके जीवन के सारे कर्मों का, सारे अच्छे कर्मों का फल भी बड़ा प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, इसीलिए आपको अपने जिंदगी में अब इन बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों, चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन दिल से आप भगवान को सच्चे श्रद्धा से भगवान को पूजे, भगवान की आराधना करें, भक्ति भाव रखें। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद हमेशा भक्ति के जीवन काल में रहता है। जिया दोस्तों और इसके प्रांत दोस्तों, हम आप सभी को बता दो कि जब भी ईश्वर की देवी शक्ति आपकी जीवन काल में प्रबल होती है तो वश में देवी आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है मां दुर्गा, जो आप सभी को देने वाले हैं। वजह है कि दोस्तों, कोई बूढ़ी औरत आप सभी के सपने में आ जाए और आपसे बोले कि हमें कुछ भोजन करो, हमें अपने घर का खाना खिलाओ, हम बहुत दिन से भूखे हैं। तो दोस्तों, ये सिद्ध माता दुर्गा का संकेत है। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपकी परीक्षा ले रही है और मां दुर्गा चाहती है कि आपके घर में आए और आपके घर में उनका सम्मान हो, सत्कार हो। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आप सभी को अपने जीवन काल में अब क्या करना है, ऐसा आरक्षण के लिए तो आपको किसी भी गरीब या वृद्ध बूढ़ी औरत को सम्मान स्वरूप वस्त्र का दान करना है और भोजन भी करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर साक्षात माता दुर्गा आप शिव के जीवन काल में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आने वाला आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगला जो संकेत है वह यह है, आपके घर में किसी भी पक्षी का एक छोटा सा पर का टुकड़ा दिख जाना। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसके भी घर के ऊपर या आंगन में किसी भी पक्षी का पर गिरता है तो उनके घर में शुभ घटना होने का संदेश मिलता है। जी हां दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना होने वाली है। दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि इस आपको अपने घर के पूजा के स्थान पर जो ब्रह्म कौन है वहां पर आपको रखना है। दोस्तों, यकीन मानिए, ऊपर से जो पक्षी का पंख आपके आंगन में गिरा है वह सीधा माता का संकेत होता है। दोस्तों, मां दुर्गा के 9 रूप है और 9 रूप में से माता का एक ऐसा है जो पक्षी की सवारी करती है। जी हां दोस्तों, जिसे उल्लू कहते हैं और साक्षात माता लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में ऐसी पंख आते हैं तो आपको समझना है कि माता दुर्गा का यहां संदेश है जो आपकी घर आने वाली है, इसलिए इन्हें आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आंगन में पक्षी का पर देखते ही उन्हें झाड़ू से साफ कर देते हैं और कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ऐसा गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं वह अपने ही हाथों से अपने किस्मत में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो समय आ गया है, अगले 3 दिनों के अंदर आपको ऐसे संकेत जरूर ही मिलेंगे, बस आपको पहचाना है। दोस्तों, नहीं पहचानेंगे तो आप अपने किस्मत का धन नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, इसके पुराने दोस्तों, जब माता रानी आप सभी के जीवन में प्रसन्न हेतु वर्ष में आपको अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर अपने घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश अभी भी नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर मां दुर्गा आप सभी के घर में अपना चरण रखने वाली है। जी हां दोस्तों, इसलिए आप अपने घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों, अपने घर में अगले 3 दिनों के अंदर कोई बेशक कार्य ना करें जिसे आपस में मतभेद उत्पन्न हो, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के प्रति बुरे ख्याल आ जाए। जी हां दोस्तों, अगर घर के कोई भी सदस्य आपसे नाराज हो जाएंगे तो ईश्वर की देवी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करने वाली है। इसलिए अपने घर में प्रेम माहौल बनाकर रखें जिसे ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सके। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, अगला जो कार्य है भैया है,
कि आपके घर के बाहर अगर कोई साधु संत आ जाते हैं, कोई ऐसे अनजान व्यक्ति आ जाते हैं जो आपसे कुछ मदद मांगते हैं, तो दोस्तों उन्हें अवश्य ही अपने इच्छा के अनुसार जितना मैं आप सक्षम है जरूर ही ने दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी भगवान हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ संकेत देते राज मत कीजिएगा, उसे व्यक्ति को भोजन पानी करके ही भेजिएगा। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप 9 साल से कम उम्र की 9 कन्याओं को IS-5 के सिक्के जरूर दीजिएगा। इसे मां नवदुर्गा बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। जी हां दोस्तों, बस ध्यान रहे 9 कन्याओं को सुबह के ही समय IS-5 का दान कीजिएगा, क्योंकि सुबह का शुरुआत अच्छे कर्म से होगी तो पूरा जीवन आपका संवर जाएगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में ऐसा है, नवदुर्गा 9 बड़ी शक्ति जिन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके गुनाह को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों माता हमेशा आपके दान पुण्य के भावना से प्रसन्न होंगे, इसीलिए कुछ ऐसे पुण्य का कार्य कीजिए जिसे माता रानी आपके घर में प्रवेश कर जाए। जैसे कि दोस्तों पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करना, तालाब में मछलियों को घंटे की गोलियां खिलाना, और उसके साथ साथ वृद्ध आश्रम अनाथ आश्रम में कुछ रूपों का दान करना, इन सभी सीमा माता बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। यह सभी अच्छे कर्म आपके जीवन में वह सब खुशियां देगी जिनके लिए आप तरसते थे। जी हां दोस्तों, और मानव दुर्गा आप सभी के जीवन में प्रसन्न है। तो दोस्तों आपकी कुंडली में भी ग्रह गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो ग्रह गोचर है मां दुर्गा के ही सबसे शुभ ग्रह है। क्या दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं कि उसमें माता दुर्गा आप सभी की कुंडली में राजयोग धनिया और बड़े शुभ योग का निर्माण किए हैं, जिनके कारण आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी की जीवन में यह 7 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का लव लाइफ में, स्वास्थ्य में, पारिवारिक जीवन में, करियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस और व्यापार की छुट्टी, आपको सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्योंकि यश में आप सभी केशमक्ष मां नवदुर्गा है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी का करियर का रफ्तार पहले के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हश्र में आप सभी के जीवन में जो ग्रह गोचर बने हैं उनके साथ साथ ईश्वर की देवी शक्तियां हैं, मानव दुर्गा की शक्तियां हैं, जिनके कारण आप सभी का भाग्य अगले 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसा चमकेगी जैसे आपके दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राशि में आपका वर्षों की रुका हुआ काम पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी यह बनेगा, लेकिन आपका वह बिगड़ा हुआ काम भी बनने वाला है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का नाम गांव और समाज में बिल्कुल ही घर घर पहुंचने वाली है, क्योंकि आपका बिजनेस के क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, जिनसे आपकी इच्छा भी सबसे ऊंचा होने वाला है, और अगले 3 दिनों के अंदर आपका किस्मत कोहरा मचा देगा। एक शब्दों में कहें ये देवी के आशीर्वाद से आप धन से मालामाल हो जाएंगे। संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोल कर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको अपने पार्टनर के करीब आने के लिए थोड़ा नम्र और ख्याल रखने वाला बनना होगा।
वह इस समय किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपको उन्हें प्रेरणा और हिम्मत देने की जरूरत है ताकि वह आपके साथ अपनी सब बातें बांट सके। अगर आप इस वक्त उनका साथ देते हैं तो इससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव पड़ेगा। आज कुछ प्रमुख व्यय के लिए आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चे पर आपकी नजर रहेगी। आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए एकदम सही है और कुछ कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे थे उन्हें पूरा करना का भी उचित समय है। आज आप अपनी बचत और परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची के साथ बैठे और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी। तनाव से भरा दिन जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि सारा पैसा खर्च न करके कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। यानी इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय आपने लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होगा। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला ना माने। आज आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ाना चाहिए। यहां तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ ढूंढना है। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपकी सलाह अच्छी होगी, लेकिन बिन मांगे दी गई। आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा। आपको आज खुद की ही सुननी चाहिए और खुद को खुश करने या संवारने के लिए आप काफी पैसे भी खर्च कर सकते हैं। हालांकि जहां तक आपकी इच्छाओं या आपके कामों से दूसरों का भी लेना देना है, थोड़ा संभल कर व्यवहार करें, क्योंकि लोग आपकी नेक इच्छाओं को भी गलत समझ सकते हैं। अगर आपको अपने तरीके और अपने पार्टनर के तरीके में से एक को चुनना पड़े तो आपके सामने एक मुश्किल स्थिति आ जाएगी। लेकिन शांति बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को लेकर अपने पार्टनर से आक्रामक तरीके से सवाल न करें। जितना प्यार वो आपसे करते हैं उसे लौट आने की कोशिश करें और किसी और के कहे अनुसार चलने की बजाय
उस मुश्किल समय की याद उन्हें दिलाएं जो आपने एक साथ काटा था। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा न माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है, जिसे आप संजो के रख सकते हैं। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ अच सकता है। जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। थोड़ी कोशिश और करें। आज भाग्य आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि यह आपका दिन है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी।